केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। केवी टेक्निक्स लाए आपके लिए लेटेस्ट व महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की जानकारी अगर सीधे प्राप्त करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए। साथियों, बिना समय गवाए जानकारी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने NIOS से DLED किया है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें आपको वो सभी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए उपयोगी व इम्पोर्टेंट होगी। NIOS से DLED करने के बाद सबसे पहले भर्ती बिहार में हो रही है। इसके लिए बिहार सरकार 18 सितंबर से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए जाएंगे, इसकी जानकारी है। इस भर्ती में NIOS को DLED वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा या नहीं, ये महत्वपूर्ण जानकारी होगी। NIOS से एक लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले NIOS के चेयरमैन CB शर्मा का बड़ा खुलासा देख लेते हैं क्या है। NIOS के चेयरमैन CB शर्मा ने दावा किया है कि NIOS से DLED कोर्स पूरे देश में मान्य होगा और प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए NIOS DLED पास शिक्षक हर परिस्थिति में योग्य है। उन्होंने दावा किया कि NCTA का फैसला अवैध है, उसे इस तरह का फैसला करने का अधिकार ही नहीं है। इस बारे में NIOS या फिर NRC ही कोई मार्गदर्शन दे सकती है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। देश भर में 12 से 15 लाख के बीच NIOS से DLED किया है। इतना बड़ा कार्यक्रम और वो भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया हो, अगर इस कार्यक्रम के तहत DLED मान्य नहीं होगा तो फिर किसी भी संस्था से DLED को मान्य नहीं किया जाना चाहिए। इसका दबाव भी सरकार पर है, इसलिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से मार्गदर्शन मांगा है। NCTA के मार्गदर्शन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। NCTA ने बिना सोचे समझे ही कह दिया कि NIOS से DLED वाले इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे और कारण बताया गया कि 18 माह का DLED कोर्स प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता में शामिल नहीं है। दोस्तों, इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। हमें NCTA के अधिकारियों से कहना है कि अगर सामान्य DLED से NIOS की DLED मान्यता अधिक ऊपर है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कमज़ोर है, आप अभी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने दीजिए। अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से DLED की डिग्री ले लेंगे। इसी बीच NIOS की तरफ से एक और खबर के निकल के आ रही है कि NCTA का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है। NIOS के चेयरमैन DB शर्मा ने NCTA के फैसले पर ज़बरदस्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मुझसे बिना पूछे कैसे NCTA ने एक तरफा फैसला सुना दिया, जब नॉर्दर्न रीजनल कमेटी ने NIOS DLED को पूरी तरह से मान्यता दे दी है। ऐसे में NCTA को इस मामले में एक तरफा फैसला लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि NCTA का यह फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है, कोर्ट में इसे छात्र जरूर चैलेंज करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि NIOS से DLED शिक्षक भारत में किसी भी भर्ती के लिए योग्य है। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने बिहार सरकार को दिए अपने जवाब में कहा है कि NIOS DLED कोर्स करने वाले छात्र बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। प्रोफेसर CB शर्मा ने कहा है कि NIOS DLED करने वाले शिक्षक पूरी तरह से योग्य है, वे भारत में कहीं भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। NIOS अध्यक्ष CB शर्मा ने फोन पर सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। CB शर्मा के मुताबिक NIOS DLED के छात्रों पर अगर किसी का कोई शक है तो उनको किसी अन्य संस्थान से DLED करने वाले छात्रों के साथ परीक्षा में बिठाकर जांच करा सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।